हर महादेव। तो बोट पे जाते हैं, बोट पे जाके हम लोग ये करते हैं परिक्रमा का, ये करते हैं। चलिए फाइनली संगम के पास आए, तो थोड़ा सोच रहे कि इतना ड्रोन शो तो आपको आया हो, आपको पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके बताइए। ये डैम कितना साल पुराना है? क्या सही है यार, इधर मस्त लग रहा है ना, कैसा लाइट चेंज हो रहा है, मस्त। तो जय नारायण, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ ओमकारेश्वर पे। जी हाँ, हम है भोलेनाथ की नगरी ओमकारेश्वर। अगर आपने कल का ब्लॉग देखा रहेगा तो आपको मैंने पूरा जर्नी बताया कि हमने कैसा ओमकारेश्वर आए, पूरा जर्नी का ब्लॉग है। और इस बार हम जा रहे हैं, सामने मेरे को मंदिर दिख गया है, तो हम लोग जा रहे हैं थ्रू बोट। तो हमने एक बोट रिजर्व किया है, तो बोट रिजर्व हम परिक्रमा में पूरा करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे अपना एक्सपीरियंस। तो लेते हैं भोलेनाथ का नाम, हर हर महादेव। तो करते हैं अपने ब्लॉक की शुभराज का और दर्शन करते हैं भोलेनाथ का, चलो। तो फाइनली ये मंदिर है, फाइनली ये मंदिर है और ये डैम है। तो ये अपना पीछे आप देख पाते रहोगे, अच्छा जबरदस्त मंदिर है ओमकारेश्वर का, काफी अद्भुत है, देखे एकदम जबरदस्त है। पीछे जो उसको माउंटेन है, माउंटेन के लोग बोल रहे थे ओम शेप में, तो इसकी वजह से वो उसको बोलते हैं ओमकारेश्वर। और उसके पीछे भी एक नदी है, तो लोग बोलते हैं कावेरी नदी, कुछ तो कोवेरी नदी कुछ तो बोल रहे थे। अगर कुछ मैं प्रोनाउंस से मिस्टेक है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन पीछे है नदी। और दोनों का मिलअप भी हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली अभी हम बोट में जा रहे हैं, तो बोट में जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे बोट है, तो बोट पे जाते हैं और बोट पे जाके हम लोग ये करते हैं परिक्रमा का, ये करते हैं। चलिए, काफ़ी सारे बोट घूम रहे हैं, हाँ जबरदस्त लग रहा है, काफ़ी सारे बोट। अगर किसको बाय वॉक करना रहेगा ना, यहाँ पे सामने आप देख पाते हो, ये पूरा वॉकिंग का है, ये पूरा वॉक करने का है। चलिए चलिए एंजॉय करते हैं ओमकारेश्वर को। कौन सा संगम है बताओ वापिस, ये जो लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, जो नहा रहे ये संगम है क्या?
कौन सा नदी का है? नर्मदा नदी है। हाँ मुझे कुवेरी नदी है। कुवेरी नदी। तो फाइनली अभी हम लोग बोट से उतर के एक संगम देखने हैं जो नर्मदा और कोलवा देवी, क्या बोल रहे हैं लोग, क्या कोवेरी, कोवेरी नहीं है, हाँ कोलवेरी कुछ तो बोल रहे हैं, कोवेरी कोवेरी, तो कोवेरी का संगम देखना है। तो देखते हैं यहाँ से एक ड्रोन शॉट निकालते हैं, ऊपर से अपने अच्छा अच्छे से दिखेगा क्योंकि ये शायद नर्मदा है वो शायद कोवेरी है बेसिकली। तो एक ड्रोन शॉट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी सही लग रहा है, इतना ज़बरदस्त पीस है ना, और प्लस कैसे है ना धूप इतना हार्श नहीं है तो इसलिए अच्छा लग रहा है, और इधर ना मज़ा आ रहा है। ये एक मंदिर सा है, काफ़ी लोग यहाँ पे नहा भी रहे, काफ़ी लोग नहा रहे, कोई पूजा कर रहे। चलो हम लोग एक ड्रोन शॉट लेते हैं, ऊपर से अच्छे से दिखेगा अपने को संगम। फाइनली एक ड्रोन से कैप्चर कर रहे हैं हम लोग एक मस्त सा संगम, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगा। वो मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त लगा, आप लोग भी आए तो वो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिए कैसे लगा आपको सबसे पहले। तो चलो संगम को देखते हैं, और ऋतिक भी नहाने गए तो देखते ऋतिक का भी फोटो कैप्चर होता है वीडियो। इधर सामने ही नहा रहे वैसे, मैं तो देख पा रहा हूँ, चलो देखते हैं। फाइनली संगम के पास आए, तो थोड़ा सोच रहे कि इतना ड्रोन शॉट आपका है वो आपको पसंद आ जाएगा, अगर पसंद आया तो कमेंट करके बताइए और थम और लाइक कीजिए। और चलो थोड़ा संगम में आए तो थोड़ा सर पे डालते हैं पानी, अपना नर्मदा रिवर और कौन सा रिवर, कोवेरी, कोवेरी रिवर, तो दोनों का संगम मिलके क्या होता है, एक ही है, नर्मदा रिवर ही बोलते हैं ना, नर्मदा रिवर, नर्मदा बोलते हैं। हाँ बेसिकली क्या बोलते पता नहीं, लेकिन आई थिंक नर्मदा ही बोलते हैं। चलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अभी जाते हैं बोट पे, बहुत देर रुके थे यहाँ पे, मजा आया, बहुत मजा आया संगम में, मजा आया, थोड़ा उठ के नहा भी लिया, ड्रोन शॉट भी लिया, और यहाँ पे पत्थर जो है ना एकदम बड़े बड़े पत्थर है तो लगने के भी चांसेस है, तो थोड़ा संभल के बोट की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए ये परिक्रमा हम लोग पूरा करने वाले अभी। वैसे पानी का गहरा इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि देखिए ये लोग कैसा रखे डाल के बोट को डायरेक्शन दे रहे हैं। एक्चुअली कैसा है डैम का पानी जितना लेवल पे छोड़ेगा ना उस हिसाब से। तो बेसिकली सीन ये है कि यहाँ पे पानी का लेवल जो है ना कम है, तो इन लोगों ने क्या बोला आप थोड़ा आगे चल के आइए, क्योंकि आगे चल के आइए क्योंकि पानी का लेवल कम है ना, तो मम्मी और पृथ्वी उसमें बैठे, हम लोग थोड़ा रास्ते से चल के जा रहे हैं और आगे कनेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत धस जाएगा ना। तो ये चला अपना, यहाँ पे पृथ्वी बाय बाय कर रहे हैं। तो फाइनली इतना लंबा हम लोग चल के आए, और अभी ये चल के आए यहाँ से, फिर अभी अपना यहाँ पे बोट है, जूम करके दिखा दो, ये दिख रहा है, ये बेसिकली ये वाला आपका बोट है। ये कहीं भी जम मारे, कहीं भी जम मारे, ये सारे जो पहाड़ है
ये काट के हुआ है कि अपने आप हुए? अपने आप हुए। इतना ऊपर जाता ना तो डैम बना तो कम हो गया अभी। इतना ऊपर पानी आता था आप पीछे पूरा अपना नर्मदा रिवर का एक डैम दिख रहा है, मतलब वो साइड से ये डैम का पानी वो साइड से आएगा नर्मदा रिवर, ये साइड जाएगा कोवेरी रिवर। पता नहीं साउंड कितना आ रहा है लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ क्योंकि नॉइज़ ज़्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि माइक नहीं है। लेकिन पीछे जो है पूरा मज़ेदार है एकदम, डैम का व्यू और ये साइड से कोवेरी रिवर, वो साइड से नर्मदा रिवर संगम, मस्त लगता है। मेरे तो समझ सही से अगर आप आ रहे हो इस ओमकारेश्वर में वो ट्राई तो पक्का है करने का। ये डैम कितना साल पुराना है? 2004 का है। 2005 का चालू हुआ था। 2005 में चालू हुआ क्या? काफी अद्भुत डैम है यार, मजा आ गया था। अच्छा डैम के ऊपर ना ऐसा गाड़ी भी दिख रही है मेरे को जाते हुए, काफी सारे गाड़ियां दिख रही है, मतलब अगर क्रॉस करना रहेगा ना तो ये डैम के ऊपर शिफ्ट पूरा रास्ता है। तो फाइनली जहाँ से शुरुआत किया था वहीं पे आ गए हम लोग, सामने वो जो पूरा ब्रिज तो बेसिकली जो आपको दिख रहा है ये पूरा जो ब्रिज है ना ये किसके लिए है, जो किलो परिक्रमा करके चल के जो कि कुछ 11 किलोमीटर का परिक्रमा है। तो फाइनली अभी ओमकारेश्वर मंडी गाँव पे आ गए, नीचे बोर्ड हमने पार्क कर दिया हमने बेसिकली बोर्ड को, और जाते हैं दर्शन के लिए। लाइन देखे भाई काफी लंबा लाइन है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, कौन बोलते हैं लाइन नहीं होता है, अच्छा खासा लाइन है। तो फाइनली ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन अच्छे से हो गए, काफी भीड़ है, काफी 3 घंटा लगा लाइन पे, लेकिन अच्छे से दर्शन हो गए बाबा के। और अभी जाते हैं पीछे अपने ममलेश्वर मंदिर जो ब्लैक कलर का जो टेम्पल है ना वो है बेसिकली, पता नहीं आपको दर्शन हो रहा है कि नहीं, दिखाता हूँ मैं। ये जो ब्लैक कलर का है ना, ये जो ब्लैक कलर का जहाँ पे झंडा है ये है ममलेश्वर मंदिर। तो अगर आप ओमकारेश्वर पर आ रहे हो तो ममलेश्वर भी बोलते हैं दर्शन जाने का। बेसिकली ऐसा मान होता है ओमकारेश्वर में शिव जी पे मतलब विराजमान है और ममलेश्वर में उनका स्थापना किया गया है, तो ऐसा दो शिवलिंग है बेसिकली, ये मान्यता है ऐसा। तो चलो दर्शन करते ममलेश्वर का। दोनों को बोलो अच्छे से मात्री।
नहीं क्या सही है यार। इधर अभी जस्ट उस साइड हम लोग अभी थोड़ा शाम को नहा के आए, मतलब घाट पे थोड़ा नर्मदा में नहा के आए। अभी उधर अपने देखा था कुछ फाउंटेन जैसे बना रहे थे, क्या सही लग रहा है ये। मतलब मोबाइल पे इतना अच्छे कैमरा में इतना अच्छे जस्टिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं ना मस्त लग रहा है, मस्त क्लासिक लग रहा है, मज़ेदार है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक और चीज़ मुझे अच्छे से दिख रहा है, चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठ के आराम भी कर रहे हैं, कप्पे मार रहे गंगा नदी के, सॉरी नर्मदा रिवर के यहाँ पे। और ये अपना मस्त लग रहा है ना, कैसा लाइट चेंज हो रहा है, मस्त। कभी लाइट ब्लू हो रहा है, कभी ग्रीन हो रहा है। अभी मंदिर पूरा खाली देख लो, कितनी पूरा मंदिर खाली, अभी पूरा मंदिर। सुबह के टाइम पे हम लोगों को 3 से 4 घंटे लग रहे थे, और अभी पूरा मंदिर खाली है। अभी एक भी बहुत नहीं है ना वहाँ पे नीचे, रात दिन में ना पूरा यहाँ पे ना बहुत भरे रहते थे नीचे, अभी बहुत नहीं है एक भी। ये मंदिर और ये सामने ये वाला डैम है, ये अपना मंदिर। अभी भी अच्छे से आपका दर्शन होगा, लेकिन सुबह हम लोग आए थे तो पूरा एकदम 3 से 4 घंटे लग रहे थे भाई। लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि भाई इतना टाइम लग रहा है, और अभी देखिए मंदिर पूरा खाली है, आप अच्छे से जाके दर्शन कर सकते हैं। कुछ गलबाजी नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से पूरा मंदिर खाली है। जो सुबह आए थे ना भाई साहब क्या गद्दी था। चलो अभी एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे ना एक चीज़ का इशू है, यहाँ पे क्या इशू पता है क्या, प्रॉपर लाइन का मैनेजमेंट नहीं है। जैसे कि आपने विश्वनाथ काशी विश्वनाथ पे देखा, जो उन्होंने काशी विश्वनाथ पे देखा, फिर हम लोग ने उज्जैन में देखा, तो वहाँ पे कैसे लाइन का प्रॉपर मैनेजमेंट है, यहाँ पे कुछ भी मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पे लोग ऐसे चारों लाइन, पहले क्या कहते हैं लाइन घुसती है, फिर चारों दिशा जिन्हें छोटा सा गली रहता है, फिर चारों दिशा सब लोग घुस जाते हैं अंदर, और धक्का धुक्की में बच्चे लोग को भी दबा देते हैं ऐसा। मैं तो रुत्वी को कैसे बचा के लेके गया अंदर दर्शन करने, मुझे ही पता है, लिटरली मुझे पता है। तो अगर बच्चों के साथ आते रहोगे तो थोड़ा प्रॉपर सेफ गार्ड करके आइए, क्योंकि यहाँ पे ना लाइन मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। अब अगर आप आते रहोगे अप्रैल मई पे तो थोड़ा देख के दर्शन करने के लिए थोड़ा शाम को जाइए, क्योंकि मेरे को शाम को खाली दिख रहा है। दिन के टाइम में तो बहुत गर्दी था, बहुत 3 से 4 घंटे लग रहा था, और ये पुजारी लोग बोले आपको 300-400 रुपये लेंगे, लेकिन हमने नहीं लिया, हमने बोला कि नॉर्मल दर्शन करते। पता नहीं कितना सच नहीं है कि अंदर लेके जाते, लेकिन दर्शन ऐसे नॉर्मली करते। तो आई होप आपको ये ब्लॉग आज का पसंद आया रहेगा। तो ख़त्म करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो आप सोच रहे हो कितनी किधर गई, तो ये रही कितनी। तो अच्छा रहा अपना दर्शन, ओमकारेश्वर में आके पूरा सफल हुआ। खाली सुबह का गर्दी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी शाम को एकदम ठंडा, एकदम प्लेजेंट टेम्परेचर है, लोग एकदम शाम को आराम से आप घूम सकते, मज़े कर सकते हैं। और सब लोग यहाँ पे लिटरली बैठे भी है, लोग यहाँ पे रुक पे बैठे भी थे, मज़ा आ रहा है एक्चुअली, थोड़ा मतलब शांति मिलता है, शांति, हाँ बेसिकली पीस मिलता है। तो खत्म करते हैं आज का ये ब्लॉग, और आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, और दो सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये आज का ब्लॉग, और दर्शन कैसा रहा आपका। मैंने बहुत कोशिश की आपको दर्शन दिखाने का। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे कहीं और घूमते हुए, चलो फिर बाय।